एनीवेज पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है और पाकिस्तान ने ये मैच कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं जीता। पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, जहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इमेच्योरिटी कहाँ कहाँ दिखाई। और फिर उसके बाद हारिस रऊफ जो बहुत ही तेज बॉलिंग करता है उसने बचाया आपको और पाकिस्तान फाइनली हैज वन द गेम। अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर पाकिस्तान ने मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार फतह, सरहद पार भी पाकिस्तानी बॉलर्स के चर्चे, हारिस रऊफ ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में जानिए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले पहले एक रोजा मैच में कौमी टीम ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में खेले गए मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी कप्तान का ये फैसला रास ना आया और पूरी टीम 47 ओवर में 201 रन बनाकर आउट हो गई। 202 रन के अदब के ताकों में अफगान बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना ठहर सके और उनकी विकेटें पत्तों की तरह बिखर गयी। अफगानिस्तान की पूरी टीम 20वें ओवर में 59 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शहीन शाफरीदी ने 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इसके अलावा नसीम शाह और शिदाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। दूसरी जाने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले एक रोजा मैच की पहली इनिंग्स में 205 से कम टोटल करने के बावजूद सबसे बड़ी फतह अपने नाम की, जो एक अपनी नोयत का एक रिकॉर्ड है। श्रीलंका में जारी सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से हराया, जो की 205 से कम स्कोर करने के बाद किसी भी टीम की सबसे बड़ी फतह है।